जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओगी एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम सुबह के 5:30 बजे देखिए अपनी जर्नी के लिए चल पड़े हैं। 9:23 दिखा रहा है गूगल जहाँ जो हमारी डेस्टिनेशन है। हमारी बलेरो नियो कितने घंटे में पहुँचाएगी देखते हैं। लेकिन हमने जैसा कि हम हमेशा आपके लिए एक यूनिक जगह ढूंढते हैं और ये ऑप्शन भी इतनी दूर जाने का मतलब भी इसीलिए है क्योंकि जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे किस जगह किस तरह की ये जगह है कैसा आप फील करेंगे वो हम आपको वहाँ जाकर बताएंगे क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। रास्ते में कुछ भी अगर ऐसा लगेगा हमें कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है तो वो ज़रूर हम कैप्चर करेंगे, अदरवाइज़ हम सीधा पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। चलिए चलते हैं। तो चलिए, आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस हो गया है, जंग जीत लिए हमने इतनी, और अभी लगभग 4:30 घंटे और दिखा रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमें लगा कि चाय पी लेनी चाहिए, ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रहा है। तो पंजाब की तो शान ही अलग होती है। यहाँ पे जैसे ही हमने देखा पंजाबी ढाबे शुरू हो गए हैं और ये है नसीब टूरिस्ट ढाबा। यहाँ पे बाहर से ये एम्बियंस देखने से ही पता चल गया था, मैंने कहा पराठे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो चलिए अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं भाखड़ा नागल डैम और अभी टाइम हुआ है 10:30। हमें सुबह से चले हुए पूरे हो गए हैं 6 घंटे, 12:30 बज गए हैं। और क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा नहीं किया था, भूख लग गई है, आज हम अर्ली लंच लेते हैं क्योंकि जहाँ हम अभी लंच करने जा रहे हैं ना, यहाँ हम लास्ट टाइम जब आए थे तब हमने लंच किया था। खाना तो है ही अच्छा, लेकिन इसकी एक खास बात है, अंदर चल के बताएंगे क्या खास बात है। चलिए, इसका नाम है शर्मा पंजाबी ढाबा धोनी जंक्शन। ये देखिए, 19 अप्रैल 2010 में यहाँ पर धोनी की पूरी टीम आई थी जब यहाँ पहला आईपीएल हुआ था धर्मशाला में। तो कहानी कुछ इस तरह से थी, टीम फंस गई थी क्योंकि यहाँ पर तो बाय रोड ही यहाँ पे गए थे और यहाँ आकर पूरा उन्होंने देखिए लंच किया है बहुत अच्छे से, खाना एक्चुअली अच्छा है। खाना देखिए स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत रीजनेबल भी है क्योंकि सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको थाली मिल जाती है। और ये दाल राइस देखिए कितनी, इतना हमें पता नहीं था कि इतनी सारी क्वांटिटी मिलेगी हमें, इसलिए हम इसको कम करवा रहे हैं। अब बस इतना कर दीजिए, उसको भी हाफ कर दीजिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप मतलब खाना भर पेट खाएं। और ये जो जगह का नाम है रानी ताल, इस जगह का नाम है जहाँ पर ये इतना बढ़िया ढाबा आपको मिल जाता है। खाना भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में है और जब खाएंगे तो स्वाद अपने आप आपको बदल जाएगा। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत मजा आ गया खाना खा के, स्पेशली कढ़ी पकौड़ा। तो अब रानीताल से हम वापस अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए गूगल में ये दिखा रहा है अभी 55 मिनट्स 29 किलोमीटर, जिसमें कि अभी थोड़ा रेड रेड दिखा रहा है, दैट मीन्स कि क्योंकि क्राउड हमें दिख ही रहा है अभी आगे, ट्रैफिक है। और आज ना यहाँ पीछे अभी हमने देखा था एक मेला भी लगा हुआ है, शायद उसकी वजह से भी थोड़ी भीड़ भाड़ है, जनरली यहाँ मिलती नहीं है इतनी भीड़, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। बस यहाँ मेन रोड से अब हमें ऊपर जाना है लगभग 100 मीटर और हम पहुंच जाएंगे हिमवेदा धर्मशाला। तो देखिए फाइनली हम पूरे 2 बजे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और लगभग हमें लगे 7:30 घंटे क्योंकि 5:30 बजे हमने देहरादून से शुरू किया था और हम पहुंचे हैं धर्मशाला में। यहां पर जो डेस्टिनेशन है हमारी उसका नाम है हिमवेदा। देखिए बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मेन रोड से जस्ट 100 मीटर अंदर एक विलेज में है ये और पूरा पीछे फॉरेस्ट। तो
जानकारी आपको पूरी देंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। शाम का समय हो गया है और हम भी बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बिकॉज या इस जगह में वो एनर्जी है, इसीलिए हम ऐसा फील कर पा रहे हैं। ये कोई होटल या कोई रिजॉर्ट नहीं है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर आप अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स फील करा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ आयुर्वेदिक सेंटर। सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर आप जो बजट इन्होंने रखा है वो मोस्टली लोगों के पॉकेट को सूट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ही रूम से, क्योंकि हम अपने रूम के बाहर अपनी बालकनी में बैठे हुए थे। सबसे पहले देखिए हमारा रूम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं। जो क्वालिटी है इंटीरियर की, वो आपको इंटीरियर सिंपल ही रखा है, लेकिन हर चीज़ एक प्रीमियम क्लास लुक आपको देती है। वॉशरूम भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉटलेस क्लीन आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। आप जैसे ही रूम के बाहर एंट्रेंस पर आएंगे, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर व्यू मिलता है। पूरे पाइन ट्रीज हैं यहाँ पर, पूरा फॉरेस्ट है पाइन ट्रीज का। और क्योंकि यहाँ पर सभी रूम्स ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए हैं, तो आप इजीली अगर व्हील चेयर भी एक्सेस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टेयर्स ज्यादा नहीं चढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। ये जगह नेचुरली ही इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि इसको ज्यादा ब्यूटीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। रूम्स एरिया से बाहर आते हैं तो ये एक इन्होंने कॉमन सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये भी देखिए यहाँ पर बुद्धा जी हैं, और हर चीज़ बहुत ही रिलैक्सिंग है, आपको खुद से फील होगी। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्पेस बहुत सारी मिल जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से ये रॉक्स रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि इन्होंने जिस तरह से ये प्रॉपर्टी थी उसको एज इट इज़ रॉ ही रखा है। कई बार क्या होता है कि ब्यूटीफाई करने के चक्कर में हम उसे और ख़राब कर देते हैं, क्योंकि हम जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर नेचर को एज इट इज़ रखा जाए तो वो अपने आप में इतनी खूबसूरत है। देखिए गाड़ियाँ हमारे साथ ही खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और क्योंकि ईजी अप्रोच है 100 मीटर, जैसा कि मैंने बताया मेन रोड से ऊपर आते हैं आप, सिर्फ वो स्टीप थोड़ा सा चढ़ाई आपको लगेगा, बट गाड़ी क्योंकि यहाँ तक पहुँच जाती है तो आप इजीली आ सकते हैं। हम ये बैकयार्ड में आ गए हैं और यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट हमें दिख रहा है पीछे, पाइन फॉरेस्ट। और ये जगह मुझे इतनी सुंदर लग रही है, यहाँ तो ज़रूर जाना है, तो हम कल मॉर्निंग वॉक यहीं पर करने जाएंगे। चलिए अब आपको इनके ट्रीटमेंट रूम्स दिखाते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन दिया जाता है और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। वाओ, इतना ब्यूटीफुल एरिया है ये, यहाँ पर इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबें तो हैं ही, साथ में देखिए सामने आपको जो व्यू मिल रहा है, फॉरेस्ट व्यू, बहुत ही ज़्यादा अपने आप रिलैक्स फील करेंगे अगर यहाँ बैठकर आप बुक्स पढ़ेंगे। तो ये एक इनका ट्रीटमेंट रूम है। नमस्कार, ब्यूटीफुल सेटअप। अखिल और सुचित्रा हैं, केरला से हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के लिए केरला का नाम जाना जाता है, और अगर थेरेपिस्ट वहाँ से हैं सीरियसली तो मुझे, मेरा भी मन कर गया है कि मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट ले लूँ। ये आई थिंक शिरोधारा रूम है। ये सेटअप के साथ साथ बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, क्योंकि कहीं कहीं भी आप चले जाएं इस पूरी प्रॉपर्टी में आपको चारों तरफ से फॉरेस्ट व्यू मिलता है। यहाँ पर दूसरा ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी, क्या ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर? उधर वामनम होता है। okay. वोमिटिंग के लिए होता है। अच्छा। उधर नासियम का ट्रीटमेंट के लिए टेबल बनाया हुआ है, तो पेशेंट उधर बैठ के उधर वोमिटिंग करता है, नीचे बाल्टी वगैरह रख दूंगी क्लियर करने के लिए। हाँ जी, हाँ स्टमक का। ओके, तो यहाँ पर पंचकर्म किया जाता है। हाँ, पंचकर्म। हाँ, तो पंचकर्मा के लिए, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस।
अच्छा, यहाँ पर पूरा आपको दिखेगा मेडिसिन, ऑयल्स, सब आयुर्वेदिक यहाँ पर आप रखा हुआ है। तो जो भी जरूरी सामान प्रिपरेशन की जाती है वो यहाँ पर की जाती है। हम एक दूसरा ट्रीटमेंट रूम देख रहे हैं इनका, क्योंकि इस तरह के इनके पास 3 रूम हैं जहाँ पर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये भी सेम सेटअप है, तो यहाँ पर आप सारे आयुर्वेदिक मसाज, शिरोधारा, अभ्यंगम इस तरह के ले सकते हैं। इस तरह के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जब आप लेते हैं तो आपको जब स्टीम लेना होता है तो इसी तरह की मशीन्स आपको दिखती हैं, और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होती हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह के जो सोना स्टीम्स आपने देखे हैं, रूम्स होते हैं, उसमें अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर स्टीम लेते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। दिस इज द प्रॉपर वे। साथ में अटैच वॉशरूम भी है यहाँ पर। ये इनका 3rd रूम है जो आप सिंपल मसाज के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में ये एनिमा के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, क्योंकि जब क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें क्योंकि आपको वॉशरूम की जरूरत होती है तो साथ में अटैच वॉशरूम्स हैं। हम यहाँ पर मिले हैं डॉक्टर विभोर शर्मा से, एंड डॉक्टर जेपी गुलेरिया भी साथ में ही सर के होते हैं, जो दोनों डॉक्टर्स यहाँ पर कंसल्टेशन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म नमस्ते एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर विभोर शर्मा, मेडिकल डायरेक्टर एट हिमवेदा। सो वी हैव बीन रनिंग दिस हिमवेदा क्लिनिक सिंस 2012। तो पहले हम शहर में बेस्ड थे, हम धर्मशाला टाउन, तो धीरे धीरे चलते हुए काफी सक्सेसफुल रहा। देन देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस एंड द टाउन यू नो ग्रू नॉइजी, नॉइज भी था। तो देन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर दिस लैंड इन 2015। से ढूंढते ढूंढते हमें 2018 में जाके ये लैंड मिली आफ्टर 3 years ऑफ हार्ड वर्क। सर, मैं ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर किस तरह के ट्रीटमेंट्स आप देते हैं और किस तरह के ज्यादातर आपके पास केसेस आते हैं। जी, तो हम देखिए, वन इज सीरियस क्रोनिक डिजीजेस, जिसमें कि रेंजिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, अ फ्यू पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज एंड क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस आर बीइंग ट्रीटेड लाइक राइट नाउ। अच्छा, हाँ जी, ओके। देन इन चिल्ड्रन वी हैव पेशेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ओके। देन वेरियस स्किन डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, आर्थराइटिस। तो एक तो हो गया डिजीज वाला एस्पेक्ट, राइट। सो वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल पंचकर्मा थेरेपीज। बट रिजल्ट्स कितने परसेंट उसमें होता है? देखिए, अगर देर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं कहीं भी बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो रिजल्ट्स उतने नहीं आते। द रिजल्ट्स आर मोर ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट्स, कि फंक्शन बॉडी का डिस्टर्ब है, फिजियोलॉजी डिस्टर्ब है, रिजल्ट्स आर मोर। इफ देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, राइट, कि स्ट्रक्चर खराब हो गया, देन दे माइट नीड सर्जरी एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट आजकल जो देखने को मुझे जो ज्यादातर मिलता है, हम लोग हर कोई आजकल स्ट्रेस बहुत रहता है जी, और स्ट्रेस आई थिंक कि एक ऐसी बीमारी है जिसे कोई बीमारी नहीं मानता है। सारी जो मेजर बीमारियां है ना, ये उनकी जड़ है जी, लेकिन यहाँ तक कोई पहुंचता नहीं है। सब सोचते हैं मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, लेकिन अगर शायद हम अपने स्ट्रेस को कम कर पाए तो हमारी वो डिजीज भी ऑटोमेटिकली क्योर हो जाती है। बिल्कुल, और उसमें इस तरह का अगर एनवायरनमेंट मिले तो वो और जल्दी ठीक हो जाते हैं जी। तो दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट्स, वेलनेस ट्रीटमेंट्स। तो यहां पे कुछ ऐसे आते हैं स्ट्रेस रिलीवर्स जो जिनको चाहिए होता है, वेलनेस ट्रीटमेंट्स एज वेल, जिसमें कि स्ट्रेस हो गया, जनरलाइज्ड एंजाइटी, वेट लॉस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्लीप डिसऑर्डर्स। यहां पे बहुत सारी चीजें मुझे मिल रही हैं, वेट लॉस भी बोला अभी मुझे एकदम से सुनाई दिया। सर, अब हम कुछ मैं अपने लिए भी आपसे सजेशंस लेना चाहूंगी, बिकॉज हमारा जो रूटीन है बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है, हम ट्रैवल बहुत करते हैं, हालांकि हम बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते रहते हैं इसीलिए कि हम बिल्कुल ठीक रहें, फिट रहें, बट फिर भी स्ट्रेस सभी को होता है, हमें भी होता है, तो उसके लिए आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? जी, उसमें सबसे पहले देखिए प्रकृति एनालिसिस करना पड़ता है। We try to know the body type and mind type of the person. Each person has a different body and mind. तो सबसे पहले वो असेस किया जाता है, उसके बाद फिर विकृति एनालिसिस कि प्रकृति पे विकृति कौन सी है, व्हाट इज डिस्टर्ब्ड। तो वो असेसमेंट करने के बाद वी सिलेक्ट द ट्रीटमेंट्स। सो दिस प्लेस इज मोर लाइक मैं कह सकती हूँ मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस।
वाह मजा आ गया, अब मैं बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ली थी क्योंकि तो उन्होंने कहा कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो रिलैक्सेशन के लिए आप पोटली मसाज लीजिए। एंड इट वाज रियली वेरी गुड, वर्थ इट था, क्योंकि उसमें क्योंकि जो ट्रीटमेंट देने वाले हैं अगर वो वेल ट्रेंड ना हो तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। बट सुचित्रा इज़ वेरी वेल ट्रेंड एंड केरला थेरेपिस्ट मुझे पता है कि सच में बहुत अच्छे होते हैं वो। जब आप आएंगे ट्रीटमेंट्स लेंगे आपको पता चल जाएगा। साथ ही ये हो सकता है ये ट्रीटमेंट्स आपको कहीं और भी मिल जाए, लेकिन जिस लोकेशन पर और जिस वेदर में आप ये सारी चीज़ें लेते हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। अभी हम यहाँ टेरेस पर खड़े हैं और यहाँ पर अभी तो वेदर क्लियर नहीं है, बट जब यहाँ वेदर क्लियर होता है ना तो आपको पीछे पूरी स्नो पीक्स दिखती हैं। तो सोचिए ऐसे वेदर में रहें आप। अभी देखिए यहाँ पर आपको फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है। लोकेशन देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, चारों तरफ आपको पाइन ट्रीज दिख रहे हैं। रूम्स में इवन हमने फ़ैन तक नहीं चलाया है क्योंकि वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है एंड आई थिंक दिस इज़ द एप्रोप्रिएट वेदर। चलिए इट्स डिनर टाइम 7:30। यहाँ पर देखिए टाइमिंग्स हैं हर चीज़ के, क्योंकि आयुर्वेदा में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइम टेबल होना चाहिए खाने का। सिटिंग देखो कितना बिल्कुल लो सिटिंग बहुत अच्छी वाली दी हुई है इन्होंने, किसी को ऊपर खाना है तो वो भी खा सकते हैं। और खाना बहुत सिंपल मिलता है यहाँ पर, क्योंकि अब आयुर्वेदा ट्रीटमेंट आप ले रहे हो तो खाना तो सिंपल खाना पड़ेगा ना, तभी तो फ़ायदा होगा। तो देखिए गर्मा गर्म हमारा खाना रेडी है, खुशबू आ रही है मुझे बहुत अच्छी और भूख भी लगी है बहुत तेज़। बहुत सुंदर फुलका, आहा गर्मा गर्म फुलका देखिए, और बीन्स की सब्ज़ी है, आलू बीन्स और मूंग की दाल। तो आयुर्वेदिक खाने के हिसाब से, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ दो तीन चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है, खाना टाइम से खाएँ, कम खाएँ और सिंपल खाना खाएँ, तो बस आप अपने आप वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो कल से अब हमें यही फॉलो करना है। तो चलिए जल्दी से हम अपना डिनर फिनिश करते हैं, और आज क्योंकि बहुत लंबा दिन था हमारा, हम जल्दी क्योंकि हम टाइमली खाना खा रहे हैं तो हम जल्दी ही सोना भी पसंद करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 6 बजे देखिए कितना ब्यूटीफुल, ध्यान से हम देख रहे हैं, हमें थोड़ी थोड़ी क्योंकि स्नो अभी कम है, पीक्स लेकिन बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं और अभी धीरे धीरे क्लाउड्स आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले हम आपको दिखाना चाहते थे, बहुत सुंदर यहाँ से लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है। हमें फोन भी साथ में लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि घर से बच्चों के फोन आते रहते हैं सुबह सुबह, उनको स्कूल जाने के लिए रेडी करना पड़ता है फोन पे। इतने बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए नेचुरल रॉक है ये, यहाँ पे बैठ के आप अपने मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत मजा आया यहाँ पर घूमकर, हमने देखे इतने सारे पाइन कॉन्स हैं यहाँ पे। हम जब भी जाते हैं ना ऐसी जगहों पे जहाँ हमें पाइन कॉन्स मिलते हैं हम ले जाते हैं, फिर बच्चे ना इनको पेंट करते हैं खाली टाइम में। हम हो गए हैं रेडी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सच में यहाँ आके ना रुक जाते हैं, मन करता है बस इन्हें देखते रहो, इतनी खूबसूरत जगह है, कौन जाना चाहेगा यहाँ से वापस। अभी वैसे तो क्योंकि प्रॉपर्टी बिल्कुल नई है, बहुत सारी चीज़ें ये ऐड ऑन कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ पर जब लोग आएंगे तो रूम के अंदर कोई नहीं बैठना चाहेगा, लोकेशन इतनी ब्यूटीफुल है तो लोग बाहर आकर बैठना चाहेंगे, तो जगह जगह इनको कुछ सिट आउट्स बना देने चाहिए जहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर जब सीनियर सिटीजन लोग होते हैं ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं, बैठने के लिए और बैठकर इनको निहारने के लिए उनको जगह चाहिए। हमने अपना रूम तो आपको दिखाया ही है, यहाँ पर टोटल 8 रूम्स हैं लेकिन डिफरेंट साइजेस के हैं। तो एक जस्ट हमारे रूम के साथ ही दूसरा रूम है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये उससे बड़ा रूम है। ज़्यादातर तो लोग यहाँ पर सिंगल पर्सन ही आते हैं जिन्हें ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी स्पेशियस है, बट अगर फैमिली के भी साथ आते हैं तो आप यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप इन्होंने दिया है बैठने के लिए, हर रूम से आपको बहुत दोनों तरफ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलता है,
सभी रूम्स में आपको बाहर जाने के लिए एक्सेस मिलता है, बालकनी एरिया आप कह सकते हैं उसको। एमिनिटीज सभी रूम्स में सेम है, वार्डरोब है, इसका वॉशरूम भी देखिए काफ़ी स्पेशियस है। तो 5 रूम्स हमें ऊपर मिल जाते हैं और ये नीचे 3 रूम्स हैं, इसमें से एक रूम हम आपको दिखाते हैं। सभी रूम्स के बाहर इस तरह से आपको सिटिंग सेटअप मिलता है, यहाँ पर बैठकर देखिए पूरा आपको फॉरेस्ट क्लियर दिखता है यहाँ पर। वाओ, ये रूम तो और भी ज़्यादा बड़ा है। जनरली इतना बड़ा फैमिली रूम होता है, यहाँ पर इजीली 2 डबल बेड्स आपको मिल जाते हैं अगर दूसरी जगहों पर आप जाते हैं, बट इन्होंने इसको इसी तरह से रखा है थोड़ा खुला खुला फील होने के लिए। बाकी सारी चीज़ें सेम है और वॉशरूम तो मुझे लग रहा है इसका और भी बड़ा है। सामने ग्लास डोर है, साथ में विंडो है, बहुत प्यारा व्यू है, साथ में फ्रेश एयर, क्योंकि इन्होंने डोर्स इस तरह से लगाए हुए हैं कि आपको नेट डोर भी दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम टैरिफ को समझ लेते हैं कि जब आप यहाँ पर बुकिंग करेंगे तो वो किस तरह से आपको टैरिफ यहाँ पर चार्ज किया जाता है। बेसिकली जैसा कि हमने बताया, आयुर्वेदा सेंटर है ये, यहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रीटमेंट्स लेने ही आते हैं, रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ पर पर पर्सन चार्ज पे करना पड़ता है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं और पूरा रूम लेते हैं, अलग अलग रूम का अलग अलग टैरिफ है, जो 4000 से लेकर 5500 तक रेंज है पर पर्सन, जिसमें आपको मिलता है डॉक्टर से कंसल्टेशन पहले, उसके बाद आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको क्या परेशानी है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं, वो ट्रीटमेंट्स इसी चार्जेस के अंदर इंक्लूडेड हैं। साथ ही आपको एक लेक्चर दिया जाता है, आयुर्वेदा लेक्चर जिसे बोला जाता है, जिससे आप आगे जब यहाँ से वापस जाएंगे तो उसे आप अपनी लाइफ में कैसे कंटिन्यूटी में रखेंगे उसको, उसके बारे में आपको सब समझाया जाता है। साथ ही आपका रूम प्लस उसके हिसाब से जो आपको मील्स बताई जाती हैं वो इसमें इंक्लूजन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पैकेज में मिलती हैं, इसीलिए इन्होंने पर पर्सन चार्ज रखा हुआ है। डबल शेयरिंग में इन्होंने अभी हमें 4000 रुपये पर पर्सन बताया है। अगर आप सिंगल पर्सन एक रूम जो हमारा वाला रूम है लेते हैं तो वो 4500 की रेंज तक चला जाता है। साथ ही यहाँ पर अगर आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी चाहिए, एयरपोर्ट से आपको पिक एंड ड्रॉप चाहिए, तो वो भी ये अवेलेबल करा देते हैं, उसके लिए आपको इनसे बात करनी होगी। लेकिन एक चीज़ का जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पर बुकिंग करने से पहले आप सारी चीज़ों को समझ लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट और जो भी रूल्स हैं इनके वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करते हैं तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो आप खुद से आप देखेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर यही लगी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जब आप पैकेज लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, आपको उसमें ट्रीटमेंट्स अगर आपकी बॉडी के हिसाब से आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। इवन कंसल्टेशन भी आपको रोज़ दी जाती है, जितने भी यहाँ पे जो लेक्चर्स होते हैं वो भी मल्टीपल लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में भी उसको यूज़ कर पाए। वाओ, देखिए कितनी अच्छी जगह मिली है हमें, हमें पता ही नहीं था कि ये भी इतनी सुंदर जगह यहाँ बनाई हुई है इन्होंने पर्पसली, कि अगर आप से खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से, क्योंकि सनराइज होता है तो आप सुबह सुबह यहाँ पर बैठकर अपना मेडिटेशन कीजिए, मज़ा आ जाएगा। वैसे यहाँ पर ये इंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड करते हैं, बट वो पैकेज में इंक्लूड नहीं है, उसका अलग से आपको चार्ज पे करना पड़ता है। इन माउंटेन्स को देखते हुए हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए गर्मा गर्म नाश्ता कितना ब्यूटीफुली देखिए सर्व किया है इन्होंने पत्ते के ऊपर, और छोटी छोटी इडली, इतना देख के इतनी यमी लग रही है ये, आहा एकदम ताज़ा ताज़ा, और साथ में ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी, मज़ा आ जाएगा। चलिए हम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। खाना तो ऑफकोर्स देखिए, अगर ब्रेकफास्ट में इडली मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप यहाँ आएंगे आपको जो डाइट, ये भी उसी के अकॉर्डिंग है, आयुर्वेदा में आपको इडली खाने को मिलता है। हम आपको इसी तरह से ट्रैवल कराते रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे दूसरे चैनल को भी वर्ल्ड ऑफ व्हील, और इसी तरह से ट्रैवल करते रहें ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।